नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस वक्त बहुत बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पूरे दिन के कविता से पूछताछ चली। हम आपको बता दें कि बीआरएस की नेता हैं के कविता और केसीआर की बेटी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हस्ती हैं और उनके ऊपर आरोप ये है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला जो हुआ था उसमें 100 करोड़ रुपये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की पार्टी को दिया था। और इस आरोप के बाद लगातार प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ कर रहा था। ईडी की छापेमारी भी की गई और इससे पहले के कविता को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दोनों बार पूछताछ के बाद तमाम दस्तावेज जो सौंपे गए, तमाम चीज़ें जो इकट्ठा की गई, उसमें ऐसे सबूत मिले थे जिससे ये पता चलता था कि के कविता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। इससे पहले ईडी ने आज पूछताछ से पहले उनके घर पर छापेमारी की, जिसमें बहुत अहम दस्तावेज भी मिले थे। उनके आधार पर आखिरकार में उनको हिरासत में लेकर पहले पूछताछ की गई और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनको दिल्ली लाया जा रहा है जहां पर उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। इससे पहले जब पूछताछ के लिए के कविता को ईडी ने अपने पास बुलाया था, उसमें कई लोगों से उनका सामना कराया गया था, क्योंकि इससे पहले जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बयानों में और के कविता के बयानों में काफ़ी विरोधाभास था। उसी के आधार पर लगातार उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था और आखिरकार ये गिरफ्तारी हो गई है। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से ठीक पहले ये गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीआरएस पार्टी से बीजेपी गठबंधन करने की कोशिश कर रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी और उससे ठीक पहले जो लोकसभा के चुनाव की तारीख आ रही उससे ठीक पहले ये बात बनती हुई नज़र नहीं आई। और उसके बाद अब विपक्ष को एक और मौका मिल गया है ये आरोप लगाने का कि शायद बीजेपी ने ये एक्शन इसीलिए लिया है। के कविता पहले कई बार खुलकर बोल चुकी हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करती है, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरह ये के कविता का आरोप था। लेकिन ये सीधे सीधे अब गिरफ्तारी इस ओर इशारा करती है कि आने वाले दिनों में के कविता के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। केसीआर की बेटी हैं और 10 साल तक वो वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं। के चंद्रशेखर राव बड़ी हस्ती हैं, बड़ा नाम है वहाँ तेलंगाना का, जो राज्य बना उसको भी रूप देने में केसीआर का बहुत बड़ा रोल रहा था। लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद आगे क्या रुख होता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो सीधी आरोपी हैं जो कि जिन पर आरोप है कि 100 करोड़ रुपए इनके जरिए आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल को दिए गए। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये हो जाता है कि कल शनिवार को केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो क्या इस बयान के बाद, इस गिरफ्तारी के बाद, हिरासत के बाद केजरीवाल पर मुश्किल आ सकती है? क्या अब ईडी के निशाने पर केजरीवाल हैं? यानी कि अगर ऐसा होता है तो कल ठीक लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या अगला निशाना ईडी का केजरीवाल है, क्योंकि केजरीवाल ही एक मुखिया है जो कि अभी तक बचे हुए हैं इस पूरे मामले में। बाकी तमाम लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत तमाम अधिकारी गिरफ्तारी दे चुके हैं और इस पूरे मामले में। और ये नई गिरफ्तारी इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि लोकसभा चुनाव के पहले तमाम तरीके की और बदलाव दिख सकते हैं इस पूरे मामले की जाँच में। के कविता की गिरफ्तारी बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि ये सीधा सीधा आरोप था कि ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए इनकी जरिए, इनकी कंपनी के जरिए दिए गए हैं। और अब ये गिरफ्तारी साफ इशारा करती है कि कल जब ईडी के सामने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल मौजूद होंगे तो उस वक्त के कविता या और आरोपियों को भी बिठाया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो हैदराबाद से आ रही है, और कुछ देर में कई कविता जब दिल्ली लाई जाएंगी, दिल्ली पहुंच जाएंगी, तो उनसे पूछताछ में और भी तमाम बातें सामने निकल करके आएंगी।